और ये पावर ऑन करने पर यह एकदम से चालू हो जाता है। हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, यंग स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे और प्रैक्टिकल टेस्टिंग करेंगे स्टूडियो मास्टर का SD300 डिजिटल डिले का। और ये लो बजट में DD3 की जैसा एक डिजिटल डिले है जिसमें दो इनपुट आपको मिल जाते हैं, दो माइक आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, एक मिनी मिक्सर की तरह भी आपका काम कर सकता है जो आप लाइव प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं। और जो लोग आज के डेट पे फेसबुक और यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग का के लिए गाना गाना चाहते हैं उनके लिए भी, कारोके सॉन्ग जो लोग गाते हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है 3000 के अंदर। तो चलिए इसकी टेस्टिंग देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल वीडियो लेके आ रहे हैं हमारे MP के टेक्निकल टीम से पंडित पुनीत त्रिवेदी जी, और उनका चैनल है राधे म्यूजिक वर्ल्ड। इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडियो मास्टर SD300 डिजिटल ले इस प्रकार की पैकिंग में आता है, आप देख सकते हैं। जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं अंदर हमारा कंपनी के साथ में डिवाइस मिलता है। डिवाइस के साथ में कुछ ये कागज वगैरह इनके लिए अलग रखते हैं। डिवाइस हम निकालते हैं, ये हमारा डिवाइस है, कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें सबसे बड़ी बात एक यहाँ नीचे पेंच दिया हुआ है जिसमें हम एक ये 12 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं जो कि हमारे लिए ऑनलाइन परचेस करने पर साथ में ही प्राप्त होती है। इसमें ये होल्डिंग के लिए पैच दिया गया है। सबसे बड़ी बात, यह डिवाइस खिसके ना टेबल पर रखते समय, इसलिए यहाँ पर रबड़ के पैड लगे हुए हैं। आइए देखते हैं कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ 12 वोल्ट का DC अडाप्टर लगता है, यह पावर ऑन ऑफ स्विच है। ये माइक 1 के लिए लाइन इन, माइक 2 के लिए लाइन इन, और ये आउटपुट है। यहाँ पर दोनों में माइक 1 और माइक इन में एक बटन दिया गया है जो कि लाइन और माइक के लिए इंडक्ट करता है। यदि आप लाइन जोड़ते हैं तो इसके लिए इस प्रकार से प्रेस कर दीजिए, लाइन पर आ जाएगा, और माइक लगाते हैं तो यहाँ पर माइक पर आ जाएगा। सामने साइड एक और ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है जो कि इफ़ेक्ट के लिए दर्शाता है। यहाँ से आप ऑफ रखेंगे तो आपका माइक सिंपल तरीके से चलेगा, यदि इसको ऑन कर देंगे तो ये इफ़ेक्ट के साथ में चलेगा। बटन के ऊपर एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि डिवाइस ऑन हो गई है। यहाँ आउटपुट मास्टर का वॉल्यूम दिया गया है, ये रिपीट के लिए ऑप्शन दिया है, ये डिले टाइम का नॉब है, ये माइक 2 का वॉल्यूम और ये माइक 1 का वॉल्यूम। आइए चलते हैं, इसके लिए चालू करते हैं। यहाँ मैंने 12 वोल्ट का एडाप्टर लगाया, ये मेरी एक्टिव स्पीकर की लाइन इन की। यहाँ से मैंने इसमें ये माइक लगाया और ये पावर ऑन करने पर यह एकदम से चालू हो जाता है, और ये लाइट इंडिकेट करना चालू हो जाता है कि आपका डिवाइस ऑन हो गया है। मास्टर वॉल्यूम खोलते हैं, क्योंकि माइक 1 में हमने अपना इनपुट दिया था इसलिए माइक 1 ऑन करते हैं। आइए सुनते हैं इसकी आवाज़। हेलो 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 हेलो। ये अभी आवाज़ आपके लिए सिंपल तरीके से सुनाई दे रही है। जैसे ही आप क्लिप के लिए ऑन करते हैं इसका इफेक्ट चालू हो जाता है। एज अ डिफॉल्ट यह अभी जीरो पर है, इसलिए डिले टाइम भी स्लो है और रिपीट भी स्लो है। डिले टाइम हम बढ़ाते हैं और यह रिपीट भी बढ़ा रहा है। हेलो 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 हेलो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये
काम करना चालू हो गया है और एक बहुत ही अच्छी सेटिंग के साथ काम कर रहा है। यदि कोई सिंगर अलाप वगैरह लेता है तो उसमें हम इसका डिले टाइम स्लो करके रिपीट बढ़ाते हैं तो अलाप भी इसका साथ में हमारे लिए सुनाई देता है। हेलो 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 जैसे कि मैं आपके लिए इसमें जो कि मैं अलाप की बात कर रहा था उसका एक सैंपल देकर दिखाता हूँ। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे जैसा कि आपने देखा कि ये इसका रिपीट एकदम से बढ़ जाता है और इको लाउडली आने लगती है। इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है जैसे कि मैंने अभी इफेक्ट बंद कर दिया है। इसमें एक और ऑप्शन रहता है यहाँ पर आप इससे चैनल के ये लाइन इन में डालकर मिक्सर का आउटपुट या मिक्सर का सैंड बॉक्स का पिन इसमें एजेक्ट कर देते हैं और ये मिक्सर में लाइन इन में लग जाता है और यहाँ पर लाइन इन का बटन जो कि इसमें दिया हुआ है यह चालू करना पड़ता है। यदि आप फुल मिक्सर में इको नहीं डालना चाहते हैं केवल दो सिंगर जो कि सेम आवाज के हैं उनके लिए डालना चाहते हैं तो इसमें दो माइक लगाने की भी व्यवस्था दी गई है। हमारा स्टूडियो मास्टर डिजिटल रिले SD300। दोस्तों राधे म्यूजिक वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और पुनीत जी को बहुत मात्रा में सपोर्ट करें उनका चैनल यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में और सारे लोग जरूर वहाँ पे जाइए और जरूर वहाँ पे सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें उनके वीडियोस को देखें और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे और वहाँ पे जरूर एवन के स्टूडियो का नाम लिखे ताकि उनका जो चैनल है वो और ज़्यादा प्रमोट हो सके और इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे जो वीडियो है आपको भी मिल सके। अगर आप भी अपना वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमको संपर्क कर सकते हैं और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। स्वच्छ भारत।